यूनिवर्सिटी द्वारा रास्ता बंद किए जाने का किया डोहरा गोटिया के लोगों ने किया विरोध। जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। बरेली। रोहिलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डोहरा गोटिया की सड़क पर गड्ढा खोदकर बंद किए जाने का क्षेत्र की जनता ने कड़ा विरोध किया है। आज क्षेत्र के लोगों ने नवीन कुमार प्रधानपति, वीपी सिंह एडवोकेटे, संघ प्रिय गौतम, हिमांशु पटेल आदि ने एडीएम सिटी की ज्ञापन दिया और मांग की लोगों के आने जाने के रास्ते में यूनिवर्सिटी आए दिन कभी गड्ढे खोद देती है, कभी खंबे लगाकर बंद कर देती है, जिससे वर्षों से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रास्ता भू अभिलेखों में दर्ज है। लॉकडाउन के कारण एक तो लोग वैसे ही घर बैठे हैं, ऊपर से कुलसचिव रास्ता बंद कर नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम हिमांशु पटेल है, प्रबंधक प्रताप सिंह पटेल पब्लिक स्कूल जी। मामला ये है कि हमारा कई वर्षों से पूर्व से एक रास्ता चला आ रहा है, जब से यूनिवर्सिटी खुली हुई है, करीब 4-5 फीट का रास्ता है, जिससे करीबन डेली 2-4 हज़ार लोग डेली निकलते हैं, दैनिक श्रमिक लायक बहुत ही गरीब लोग। तो यूनिवर्सिटी वाले समय समय पर खुद उत्पात करते रहते हैं, हर 5 वर्ष में कभी गड्ढा खोद दिया, कभी मतलब बंद कर दिया, गेट अंदर से ताला डाल दिया, जिससे आम आदमी को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब बार बार वो कब तक पुलिस तक जाए, और कुलपति जी खुद एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो खुद प्रशासन के साथ मिलकर गड्ढा करा दिया। अब एक लॉकडाउन के बीच गड्ढा कराने का क्या मतलब है, कि विवाद करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारी समस्या है कि वो गड्ढा क्यों कराया गया है। रास्ता जब से सर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है तब से है, और ये स्वीकृत है जी जी जी, और पूर्व के कुलपति द्वारा स्वीकृत है, ये बात लिखित में स्वीकृत है, फिर पता नहीं कुलपति जी ने ऐसा क्यों किया। हमारा ये सर गड्ढा कर दिया है, बंदी कर दिया सर, गड्ढा कराने का क्या उचित है, मतलब ये बात समझ नहीं आ रही। 20,000 आबादी जिसका आगमन हर समय रहता है, अधिकारियों से बात करी, प्रार्थना पत्र दे दिया, लेकिन उस पर कितनी कार्रवाई होगी सर, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी सर यही जिलाधिकारी कार्यालय में दिए थे, अब कोई अधिकारी यहाँ बैठे नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय को दिए हमने।